हेलो दोस्तों, मैं हूं बिजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 12। दोस्तों, इसके पहले आपको 11 पार्ट कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा गुल्ली ट्रैप सेक्शन। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें गिवन डाटा है। तो उसमें हमसे केवल बोला गया है कि गुल्ली ट्रैप का सेक्शन बनाइए, ओके, और डाटा जो है अपने आप से लेना है। तो स्टैंडर्ड डाटा जो है आप अपनी बुक से ले सकते हैं, ठीक है, और आपको वो डाटा अप्रॉक्सीमेट याद होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुल्ली ट्रैप होता क्या है। तो मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि शौचालय जो होता है, यानी टॉयलेट जो होता है, उसके नीचे शीट के नीचे जो बैठाया जाता है, यानी कि कुछ टेढ़े आकार का एक चीनी मिट्टी का जो होता है स्ट्रक्चर्स होता है, आपने देखा होगा। तो जनरली वही हमारा गुल्ली ट्रैप होता है, ठीक है। दोस्तों, गुल्ली ट्रैप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो हमारी दुर्गंध होती है, ठीक है, टॉयलेट में या फिर आपने किचन में भी देखा होगा, तो वहाँ पे गुल्ली ट्रैप का यूज़ किया जाता है क्योंकि जो दुर्गंध होती है और कीड़े मकोड़े होते हैं इस गुल्ली ट्रैप को लगाने से नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये इसका यूज़ है गुल्ली ट्रैप का। तो इसे आप थ्योरेटिकल में आप पढ़ सकते हैं। बाकी चलिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो हम स्केल लेंगे वो स्केल 1:2 की लेंगे, ओके। मैं जो कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ वो 1:2 पे मैं करूँगा। आपको क्या करना है, 1:5 या फिर 1:10 की आप स्केल ले सकते हैं। अगर 1:5 की लेंगे तो ड्राइंग शीट पर आपकी सही बनेंगी, ठीक है, जो डायमेंशनिंग होगी वो अच्छे से आपको क्लियर होगी 1:5 पर। 10 पे करेंगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, ठीक है। आप जो ड्राइंग बनाएंगे वो अपने एग्ज़ाम में ड्राइंग शीट के हिसाब से बनाएंगे, आपको कितना क्वेश्चन गिवन रहेगा, ठीक है, उसी हिसाब से आप बनाएंगे। बाकी मैं एक वीडियो उसके, यानी कि जो हमारा ये एग्ज़ाम के को देखते हुए मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि कैसे कैसे आपको शीट को अरेंजमेंट करना है और कैसे एग्ज़ाम को अटेंड करना है, क्लियर है। तो चलिए आइए हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा ट्रैप है उसका टॉप एलिवेशन, यानी कि फ्रंट एलिवेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम जो बना रहे हैं वो सेक्शनल एलिवेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर की हम टॉप विड्थ बनाते हैं। तो टॉप विड्थ जो होती है वो 250 mm होती है। तो 250 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 250 यानी कि 25 cm डिवाइडेड बाई 2 तो 12.5 cm आ गया, ठीक है, 12.5 cm स्केल पर आ गया। तो हम यहाँ पे खींच लेते हैं इस तरह से, ओके, क्लियर है। देखिए अब इसके बाद हम इसके नीचे वाली, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे जो 75 mm की जो लेंथ होती है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, 75 mm यानी 7.5 डिवाइडेड बाई 2 तो 3.75 आ रहा है। तो 3.75 तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं और जस्ट यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं और पॉइंट करने के बाद इसको भी हम खींच लेते हैं, क्लियर है। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं 12.5 cm का। तो 12.5 डिवाइडेड बाई 2 तो 6.25 आ रहा है। तो 6.25 यानी कि 6.3 लगभग यहाँ पे आ गया, इसका मिड पॉइंट आ गया। दोस्तों मिड पॉइंट से हमारा जो डाया होता है, यानी कि जो ट्रैप है उसका जो डाया है वो 150 mm है, ठीक है, 150 mm है। तो जब उसको स्केल पर चेंज करेंगे तो 15 cm डिवाइडेड बाई 2 तो 7.5 इसका डाया आ गया, टोटल डाया, ठीक है। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे
तो हमारी ये रेडियस आ गई, ठीक है। तो मिड पॉइंट से हम रेडियस दोनों तरफ ले लेंगे, तो 7.5, ठीक है, लगभग 3.8 ले लेंगे, ठीक है, 3.8 mm। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ आ रहा है, क्लियर है। यहाँ पे हम पॉइंट कर लेंगे, ठीक, यहाँ पे 7.5। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अब क्या करते हैं, जस्ट यहाँ से इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये 2 point, ठीक है, ये 2.5 centimeter है, तो लगभग यहाँ से हम 1.5 centimeter यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से 1.5 लेफ्ट एंड इस पॉइंट से 1.5 राइट ले लेंगे, ओके। यहाँ पे हम पॉइंट कर लेते हैं, चूँकि दोस्तों ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक जनरली जो हम लेते हैं यही हमारा है, जो बर्तन होगा यानी चीनी मिट्टी का बर्तन होगा, इसकी हैचिंग होगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके नीचे जस्ट जाली लगी होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेटिंग, ठीक है, तो उसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमने खींच लिया इस तरह से, और इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं इसको, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा प्रोजेक्शन आया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्शन बना लेते हैं पेंसिल से, ठीक है। तो आप प्रोजेक्शन हल्के हाथों से बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, क्लियर है इतना। दोस्तों अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन ले रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट कर लेंगे, ओके, पॉइंट कर लिए। अब इस पॉइंट से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये लाइन लगभग यहाँ से 5 से 7 mm छूटनी चाहिए, ठीक है, ये हमारी छूटी हुई है, 8 mm छूटी है, ठीक है। इस साइड से भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, 8 mm छोड़ लेते हैं, लगभग यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर है इतना। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया, अब इसके नीचे इसको हम ड्रॉ करेंगे, तो वो जो हमारी डायमेंशन होती है वो 50 mm होती है, तो 50 mm को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो 5 / 2, तो 2.5 centimeter आ रहा है स्केल पर, 2.5 centimeter, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे 2.5 centimeter, और यहाँ पे जस्ट इसको पॉइंट कर लेंगे इसके नीचे, क्लियर है, इसके नीचे जस्ट पॉइंट करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम बढ़ा लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ओके, क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पे भी वही काम करेंगे, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे चूँकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ग्रेटिंग जो है यानी जाली जो है, आप जानते हैं कि जो कीड़े मकोड़े हैं उनको ऊपर ना आ पाए, इसीलिए लगाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं इसको जो ग्रेटिंग है हमारी, ओके, यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा और इसको आगे कर लेते हैं, और ये लगभग 2 mm मोटी होती है, ठीक है, इसकी डायमेंशनिंग जो होती है 2 mm, इसको हम बना लेंगे और जस्ट यहाँ से खींच लेंगे, ओके, यहाँ पे ये बन गई। दोस्तों ये जो हमारी प्रोजेक्शन लाइन है इसको हम बाद में इरेज कर लेंगे, ठीक है। अब आप अपना सर्कल मास्टर उठाइए और यहाँ से इस पॉइंट को जो हमने पहले ड्रॉ किया था, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला लेते हैं, ठीक है, इस सर्कल मास्टर से कुछ इस तरह से, ओके, और यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अपने सर्कल मास्टर से मिला लीजिए। दोस्तों अगर आपके पास गोला प्रकार है तो उससे भी आप मिला सकते हैं, बट आपके पास अगर सर्कल मास्टर है तो आपको ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है, लाइन ड्रॉ करना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा,
अगर एग्जाम में आपके पास सर्कल मास्टर अवेलेबल है तो। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब हम ड्रॉ करते हैं। दोस्तों ये थोड़ा से कम ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये कितना होता है 5 से 7 mm, यानी कि 8 mm हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा इसको। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं अपना ग्राउंडिंग बनाते हैं। ठीक है, ग्राउंडिंग की जो डायमेंशन होती है वो 1 mm होती है। ठीक है, 1 mm होती है, इसको हम खींच लेते हैं यहाँ पे ग्राउंडिंग 1 mm, यहाँ पे 1 mm होती है, इसको हम खींच लिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 1 mm है, इसमें गैप है, इन दोनों लाइन के बीच में गैप है, ये डार्क बिल्कुल नहीं है। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम जस्ट ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। क्लियर है, यहाँ पे ऊपर ले गए और जस्ट 10 mm इसको हम मिला लिए, 10 mm, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन 10 mm है, और इसको जस्ट नीचे की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, अभी के लिए छोड़ देंगे, फिर आगे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे भी वही काम करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम ले लेते हैं, देख लेते हैं, 6 mm है, तो 6 mm इस साइड से भी जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 6 mm, 6 mm। ठीक है, और यहाँ से जस्ट ऊपर चले जाएंगे और इसको हम प्रोजेक्शन ले लेंगे कितना हमने ऊपर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे लेने के बाद तब इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे इसको कंप्लीट बना लेते हैं, कुछ इसी तरह से आपको बनाना है। दोस्तों मैं ये गुली ट्रैप एक बना लूँगा, ठीक है, चूँकि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसे मैं बना रहा हूँ। और आप जो है इंटरसेप्टिंग टैंक है, पी ट्रैप है, क्यू ट्रैप है और यश ट्रैप है, इन सारे ट्रैप को आप बनाएंगे। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट केवल गुल्ली ट्रैप है, और इसके बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप है। ठीक है, तो उसको आप बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने बना लिया। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने ड्रॉ कर लिया है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी टोटल हाइट जो है, यानी कि इस पॉइंट से लेके जो हमारी हाइट है, यानी डेप्थ है किसकी, ट्रैप की, तो कितनी है, 300 mm है, 300 mm, 300 mm को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो देख लीजिए 30 / 2, तो ये 15 cm आ रहा है स्केल पर। तो यहाँ पे हम खींच लेते हैं। दोस्तों स्केल आप कितनी लेंगे, 1:5 की आप स्केल लेंगे। ठीक है, मैं कितना लिया हूँ, 1:2 की, तो 15 cm, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा पॉइंट, कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अपनी पेंसिल की सहायता से इसका हम प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन ले लेंगे, जस्ट नीचे की तरफ भी प्रोजेक्शन ले लेंगे इस तरह से। क्लियर है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, इसको हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ नीचे की तरफ ड्रॉ कर लिए, तो ये यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे, तो ये हमारा जो हो गया बॉटम पॉइंट हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को हमने बॉटम पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो यहाँ बॉटम पॉइंट पे हमारा जो विड्थ है, यानी चौड़ाई है, वो 200 mm है, तो 200 mm को स्केल पर चेंज कर लेंगे, 200 mm डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे 20 cm हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 10 cm आ गया। ठीक है, तो यहाँ 10 cm, यानी 5 सेंटीमीटर लेफ्ट एंड राइट, तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करते हैं,
इसकी थिकनेस जो है 15 mm है, 15 mm, तो स्केल पर चेंज करेंगे तो 8 mm आ जाएगा, ठीक है, 8 mm यानी कि 8 mm आ जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी 8 mm आ रहा है तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद दोस्तों जो रेडियस है हमारी, ठीक है, रेडियस ऑफ ट्रैप कितना है, 150 mm है, ठीक है ना, तो रेडियस जो है इसी पे आएगी, ठीक है, यहीं पे हम कहीं रेडियस खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना जो ये हमारा गोला प्रकार है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन से खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ पे थिकनेस कितनी हमारी है, 8 mm है, 8 mm छोड़ने के बाद यहाँ पे रेडियस आएगी हमारी 150 mm की, ठीक है, 150 mm स्केल पर चेंज करें तो 15 / 2 तो 7.5 सेंटीमीटर स्केल पर आ रहा है, ठीक है, तो 7.5 तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आया, यहाँ पे हम अपनी नोक रखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे, और जस्ट यहाँ से इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है, एक सर्कल जो कि ट्रैप का, ये ट्रैप का क्या होगा, जो सर्कुलर पोर्शन होगा नीचे का वही होगा, ठीक है, रेडियस कितनी है, 150 mm है दोस्तों, क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको निकाल लेते हैं और डार्क पेन का यूज कर लेते हैं, क्योंकि डार्क इसके जाएगी नहीं, तो इसलिए हम डार्क पेन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने पहले तो हमने प्रोजेक्शन खींच लिया है, अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम मिला लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मिलाते हैं पहले, तो कुछ इसको हम फ्री हैंडली मिलाते हैं, ठीक है, तो पहले तो इसको हम क्या करते हैं, कुछ आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और इसको भी कुछ आगे 2 से 3 mm मिला लेते हैं आगे, ठीक है, और फिर इसके बाद फ्री हैंड ऐसे कुछ करके, फ्री हैंड आपका अगर कुछ इस तरह से मिलाते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इसमें अपने MD को 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर देते हैं, ठीक है, 45 डिग्री पर इंक्लाइन करके यहाँ से इसको हम कुछ नीचे आते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से लगभग थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से 45 डिग्री का एंगल जो है इस तरह से खींच लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो लाइन है इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इसको हम फिर से पैरेलल कर लेंगे अपनी MD को, ठीक है, यहाँ पे ये इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहीं से इस पॉइंट को सीधा मिला लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हम इसको सीधा मिला लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इसको सीधा हम मिला लेंगे, ठीक है, यहाँ से कुछ फ्री हैंड इसी तरह से मिला लेते हैं इस तरह से, ओके, क्लियर है। अब इसको क्या करते हैं, ठीक, इसको मिला लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से इसको मिला लेंगे, और ठीक यहाँ पे भी इसको जहाँ ऊपर से थोड़ा सा लाया है इसको मिला लेंगे यहाँ से, ओके, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा रेडियस है वो कुछ इस तरह से, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगा, ओके, तो यहाँ से अब जाएगा तो ये मिलेगा कहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे आके मिलेगा, तो इसको जस्ट हम सीधा ऐसे इस तरह से मिला लेते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट से मिल रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के नीचे जस्ट इसको मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे मिला लिए दोस्तों। जो हमारी
प्रोजेक्शन वाली लाइन है, उसको हम बाद में इरेज कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको कट करवा दिया। ओके, तो अब क्या करते हैं, ठीक ये यहाँ से ये भी काम करेंगे। तो फिर से 45 डिग्री पर अपनी एमडी को इंक्लाइन कर लेंगे, तो 45 डिग्री हो गया। और यहाँ से अपना प्रोजेक्शन एक खींच लेते हैं, ठीक है ना, प्रोजेक्शन खींचे। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो लाइन है यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। और हमको पता है कि हमारा जो रेडियस है वो यहीं तक है, ठीक है, तो यहाँ तक इसको हम मिला लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे मिला लिए। और इसको जस्ट अपने फ्री हैंड स्किल से, फ्री हैंड स्किल जो रहेगी उससे हम मिला लेते हैं। तो फ्री हैंड स्किल तो अभी मिल नहीं रही है, इसको हम एमडी से मिला लेते हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरह से मिला लिए। तो यहाँ तक तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से इसको क्या करते हैं, नीचे की तरफ मिला लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा ही नीचे आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि जो हमारा सर्कुलर पोर्शन है कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, यहाँ से इस तरह से ट्रैप वाला सिस्टम, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हमारी होगी वो रेडियस होगी, थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ड्राइंग में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप अपने से मैनेज कर लेंगे, ठीक है, उसको ये नहीं देखेंगे कि हमारा गलत हो गया तो, ठीक है ना, उस समय अपने आप अपने बुद्धि विवेक का काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ, तो यहाँ तक तो हमने बना लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इस तरह से इसको हम फ्री हैंड मिलाते हैं, ठीक है, फ्री हैंड बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ट्रैप की डिज़ाइन है। भगवान जाने कैसा, मतलब किस तरह से ऐसे डिज़ाइन क्यों की गई है, ठीक है, क्योंकि चीनी मिट्टी का है और ढलाई करने में, यानी कि जो इसका मोल्ड बनाया जाता है, तो इस तरह से डिज़ाइन है, तो इसी तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक जो सर्कुलर पोर्शन, इसको हम सर्कल मास्टर से भी मिला सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, इस तरह से मिला लिए और फिर इस तरह से इसको मिला लेंगे। क्लियर है? और यहाँ से इसको मिला लेंगे, छोटे छोटे पार्ट में आप मिला सकते हैं, क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, और जस्ट यहाँ से इसको मिला लेंगे, यहाँ पे हम पहुँच गए, ठीक है, और जस्ट इसको भी मिला लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से पॉइंट करके मिला लेंगे इसको, ये हमारी रेडियस हो गई किसकी, ट्रैप की। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोस्तों जो है ये 8 mm स्केल पर है, और एक्चुअल में बात करें तो ये हो जाएगा 15 mm, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले प्रोजेक्शन से, ठीक है, पहले प्रोजेक्शन लाइन से अपने इस कर्व को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर कुछ आगे जाएंगे, ठीक है, लगभग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, या फिर यहीं पे आप जाइए, वो अपने हिसाब से करना है, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये आप इसको कह सकते हैं 75 mm रेडियस की है, तो आप सेंटर, ठीक है, कुछ इसको ऊपर कर लेते हैं, ये 8 mm हो जाएगा, ठीक है। अब
ठीक इसी सेंटर से, इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, क्लियर है। और जस्ट आप देख पा रहे होंगे 8 mm कहाँ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। इसको हम इस तरह से पॉइंट कर लेते हैं और ये 8 mm कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 8 mm वहाँ पे आ रहा है। और इसी पॉइंट से हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको भी, ये यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। और ये 8 mm से चूँकि ज़्यादा आ रहा है तो इसीलिए हम इसको कम कर लेंगे मैनेज करके अपना, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइन से पहले आप खींचेंगे, जब सही हो जाएगा तो फिर आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये अंदर वाली लाइन हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से पहले अपनी MD को सेट कर लेंगे। और अपनी MD को सेट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना बॉर्डर खींच लेंगे, ठीक है। यहीं तक हमारा ट्रैप रहेगा, इसको हम बाद में इरेज कर लेंगे, जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा चीज़ें इसको हम बाद में इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम खींच लेते हैं इसको अपनी HB पेंसिल से, या फिर आप कह सकते हैं पेन से खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से खींच लिए यहाँ पे, और ये आउटर लाइन से ज़्यादा हो गया तो इसको हम कम ही रखेंगे क्योंकि हमें ग्रुप्स भी बनाना है, ठीक है। अंदर वाली लाइन ज़्यादा डार्क कर लेंगे, ठीक है, बाद में इसको हम फ्री हैंड भी मिलाएंगे। अंदर वाली लाइन ये है, ठीक है, तो बिल्कुल सटीक जा रही है, इसको इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। और ये वाली लाइन थोड़ा सा छोड़ देंगे, लगभग 5 mm, तो 50 cm, तो लगभग इतना छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से अपने सर्कल मास्टर से खींच लेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे डार्क कर लेंगे हम बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है दोस्तों, यहाँ पे ग्रुप्स बनेगा जो कि इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से ग्रुप्स बना होता है, ठीक है। और जस्ट यहाँ से भी बना होता है, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्शन लेके इस तरह से बना लेंगे ग्रुप्स को, क्लियर है। और इसका इंटरनल जो डाया है वो 100 mm है, तो 100 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना जाएगा, 100 mm यानी 10/2, तो ये लगभग 5 cm आया, तो ये 5 है लगभग, ठीक है, अप्रोक्सीमेट है। और यहाँ पे आप मेज़र करके भी कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट कर लेंगे फिर यहाँ से ड्रॉ करके कर सकते हैं, उस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम आगे की तरफ मिला लेंगे, यहाँ पे ये आ रहा है, और इसको हम इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मैं इसको पहले डार्क कर लेता हूँ और बाद में इसको जो है ये सारी चीज़ें इरेज कर लेता हूँ जो कि हमारी प्रोजेक्शन लाइन है, ठीक है, इरेज करके इसके आगे हम बात करते हैं। तो इस तरह से हमने ग्रुप्स को प्रोवाइड कर लिया और यहाँ पे हमने सारी लाइनें इरेज करके, सारी प्रोजेक्शन लाइन इरेज करके और डार्क लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। दोस्तों इसमें एक चीज़ और प्रोवाइड की जाती है जो कि यहाँ पे होती है, ठीक है, वो जो हमारा सेफ्टी के लिए प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि जब हमारा लोड यानी कि ट्रैप पे जब ज़्यादा लोड आ जाएगा तो ये चीज़ हमारी क्रैक होने का डर रहता है, तो यहीं पे हम एक सेफ्टी के लिए हमें कोई थर्माकोल वगैरह मतलब इसी तरह से कुछ डाल देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम इस तरह से इसके पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ करके और जस्ट इसके पैरेलल कर लेते हैं, ठीक है,
इसके पैरेलल करके यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा से और नज़दीक कर दे रहे हैं, ठीक है, इसके पैरेलल करके, फिर यहाँ से इसके पैरेलल आता है, ठीक है, और यहाँ से इसको तिरछा मिला दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से कुछ, और इसको हम डार्क कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ डार्क हो जाती है, ठीक है, आपके बुक्स में दिया हो गया होगा। तो ये जनरली ट्रैप को बाहरी झटकों से बचाने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं यूज, इसको यहाँ पे कुछ आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से भी साइड से भी झटका सकता है, तो यहाँ पे इसको लेटरली सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने इसको बना लिया है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों लगभग इसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं, ठीक है, यहाँ पे जालियाँ बची हुई हैं, ठीक है, उसको हम बाद में यानी कि नेमिंग करते हुए और हैचिंग करते हुए इसको हम प्रोवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें लगभग प्रोवाइड कर दी गई हैं, तो इसमें डाटा जो है, डाटा यानी कि नेमिंग और हैचिंग दोनों हम साथ में कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों इस तरह से हमने नेमिंग और हैचिंग भी प्रोवाइड कर दी है। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारी टॉप विड्थ जो है वो 250 mm है, ठीक है, और ये जो हमारा डाया है यहाँ से यहाँ तक का जो डाया है वो 150 mm है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमने चीनी मिट्टी की हैचिंग के लिए इतना हमने छोड़ दिया था, यानी कि ये हमारी थिकनेस है चीनी मिट्टी के लिए, ठीक है, ये शेप होता है, ये आप अपने सर्कल मास्टर से खींच सकते हैं। और ये दोस्तों देख रहे हैं आप, ये हमारी ग्रेटिंग है, ठीक है, ग्रेटिंग है जो कि एक जाली टाइप होता है, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है यानी आप कह सकते हैं हाइट है वो 75 mm है, और इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 50 mm है, यानी यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस 50 mm है, और टोटल जो हमारी डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक वो 300 mm है, क्लियर है। दोस्तों यहाँ पे इस पार्ट को हम ग्राउंडिंग कहते हैं, ठीक है ना, और इसके जस्ट नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा ये बेस है यानी बॉटम है, ठीक है, ये चीज़ जो है हमारी संपर्क में रहती है किसके, ग्राउंड के, यानी कि ज़मीन के संपर्क में ये हमारा बॉटम रहता है, और ये जो ये शीट के संपर्क में रहता है या फिर सिंक के संपर्क में रहता है, ठीक है। यहाँ से ये हमारा सीवेज लेवल है और ये इसी को हम सील कहते हैं, ठीक है। सील की जो थिकनेस होगी वो 60 mm होगी या कम भी हो सकती है, ठीक है, और ये हमारा 150 mm का ये हमारा रेडियस हो गया, किसका, सीवेज सॉरी ट्रैप का हो गया। और यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है हर जगह पे 15 mm रहेगी और यहाँ पे भी 15 mm रहेगी,
ये कुछ इस शेप का होता है, ठीक है, इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है ना, क्योंकि चीनी मिट्टी की जो मोल्ड होता है यानी ढलाई होती है कुछ इसी शेप में होती है। और यहाँ पे यहाँ तक का रेडियस जो है 75 mm है, यहाँ पे अपना प्रकार रखेंगे और यहाँ से इसको चाप लगा देंगे, क्लियर है। और इसका जो डाया है वो 100 mm है, ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंट लगा के 100 mm करके फिर भी खींच सकते हैं। तो आपको एक रफली आइडिया यानी कि इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको गुली ट्रैप का सेक्शन कैसे बनाना है। तो अगर आप एक या दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ठीक इसी तरह से आपको इंटरसेप्टिंग ट्रैप का भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन आप सबसे पहले अपने से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने गुल्ली ट्रैप को कम्प्लीटली हमने स्टडी कर लिया। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।